अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम क्यों वापस आ गई? हम तुम्हारी तरह नहीं है गौरी, हमें किसी का भरोसा तोड़ना नहीं आता और इतने सारे लोगों के सामने हम किसी का सर भी नहीं झुका सकते। क्रिश जीत, क्रिश कितना समय लगा दिया, मैच शुरू होने वाला है, चलो जल्दी आओ। क्रिश नर्वस होने की जरूरत नहीं, बस तुम अपना 100% देना, ठीक है? बाकी हम तुम्हारे साथ, ऑल द बेस्ट। आपकी तरफ से कौन सा पहलवान आ रहा है? हमारी तरफ से उतरेंगे गौरव। नाम है गौरव, बहुत गौरवशील है जी। उस कृष के सामने अखाड़े में उतरना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ध्यान रहे, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि अखाड़े में गौरव नहीं गौरी है। तुम्हें ना इस खेल में जीतने देंगे और ना ही असल जिंदगी में, तुम्हें हमसे हारना ही होगा। अब यहां तक आ गए हैं तो जीत कर ही लौटेंगे, हमें पता है। जीत की जीत को गोपिका अपनी जीत मानेगी और उसकी हार को अपनी हार, और हम अपनी बेटी को हारते हुए नहीं देख सकते। जी पर सिर्फ गौरी का हक है, फिर चाहे वो असल जिंदगी में हो या फिर इस दंगल में। 3, 2, 1 शुरू हो गया। देखना आज तो ना क्रिश जी ही जीतेंगे। क्यों बेटा, तुम जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो। ओके। हाय, कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम फिल्मों के हीरो जैसे। We'll be right back.
कृष्णा, तुम्हें हराने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। एक मुक्के में ढेर कर देंगे तुम्हें। भोलेनाथ, भोलेनाथ हमारी कृष्णा की रक्षा करना। कृष्ण उठो। कम ऑन कृष्ण। अगर अखाड़े में उतरी रही हो तो सिर्फ उतरना नहीं है, जीत कर भी आना है उस जीत के चेले से, मगर वो इतना आसान नहीं होगा। इसमें जो पाउडर है वो पाउडर उसके मुंह पे लगते ही वो धीरे धीरे होश होने लगेगा, इससे अटैक करना आसान हो जाएगा। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। क्या हुआ कृष्ण, संभालो खुद को। आए थे तुम्हारे पास कृष्णा शराफत से, अपनी खुशियों की भीख मांगी थी तुमसे, अगर तुम्हें उसका भी लिहाज नहीं रहा, वादा किया था चली जाओगी मगर फिर भी लौट आई, तो उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना होगा ना। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या क्या करते। ध्यान केंद्रित करो कृष।
कृष, उठो, हार नहीं माननी है तुम। पहलवानों के कोच अंदर अलाउड नहीं है, बाहर निकाल लो इन्हें। लिख लिया बात, बाहर जाइए। कृष, कृष उठो, देखो तुम हार नहीं मान सकते। देखो इस दिन के लिए बहुत मेहनत की हमने, ये सारी मेहनत वेस्ट नहीं जाने देंगे। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, उनका नाम रोशन करना है तुम्हें, अपने गांव का नाम रोशन करना है। और हमसे किसी ने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए आपको अपना 100% देना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी हार ना मानने वाला इंसान है ना हमेशा जीतता है। तुम्हें अभी तक हमारी कही बातें याद है जीत? पूरी कोशिश करना जीत से भी बढ़कर होता है। उठो जीत, उठो, तुम्हें अपना 100% देना होगा। जीत उठो। लेकिन क्यों, जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो तो हमें इस तरह क्यों शामिल कर रखा है? क्यों जीत? कृष्णा, कृष्णा उठ बेटा, बेटा उठ, तुझे जीतना है। नहीं बेटा, तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बेटा उठ। माई आपको उठना होगा, हिम्मत नहीं हारनी है माई। क्या सोच रहे हो कृष, उठो। उठिए ना, मारिए, उठिए उठिए। अरे अरे बस सुंदरी बस, है भी तो कैसा ही हड्डी सा पहलवान दिखता है कहीं से, ये मारेगा? भगवान झूठ ना बुलाए मम्मी जी, लेकिन सच बता रहे हैं, जीत भाई साहब का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया इसने। नजर न लगे हमारी जवानी को, पर शुरू में मार खाने वाला हीरो ही ना अंत में जीतता है। उठो कृष, हम जानते हैं तुम लड़ सकते हो, उठो। शाबाश, उठो। यही तुम्हारी दिक्कत है कृष्णा, हर बार खड़ी हो जाती हो, हार नहीं मानती। मगर इस बार ना हम भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि इस बार सवाल हमारे परिवार का और हमारी खुशियों का है। बहुत अच्छा कर रहे हो कृष। कृष, सही टेक्निक यूज कर रहे हो, ऐसे करते रहे ना तो गेम हमारे पाले में होगा। चलो आगे बढ़ो, चलो। ये तो गौरी के रंग है, इसका मतलब ये गौरी है। गौरी, कृष, हम जानते हैं तुम गौरी हो। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? अपने प्यार, अपने परिवार और अपने घर के लिए। अगर तुम हमारे घर में भेस बदल कर आ सकती हो तो हम भेस बदल कर तुम्हारे सामने अखाड़े में नहीं उतर सकते क्या? किस भाषा में समझाएं हम तुम्हें कि हम तुम्हारी तुम्हारी और जीत की जिंदगी में वापस नहीं आए हैं? झूठ, नंबर की झूठी हो तुम, बहुत अच्छे से जानते हैं हम तुम्हें। तुम हमसे अरे सब कुछ छीन लोगी, लेकिन हम तुम्हें वो करने नहीं देंगे।
नहीं करने देंगे कृष्णा। हमारी बच्ची ने सारी जिंदगी जंग ही लड़ी है भोलेनाथ, हमका पता है कि वो आज भी हार नहीं मानेगी, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। हमें तो इस कृष्ण पर बड़ी दया आ रही है, पिटता ही जा रहा है, एक मुक्का नहीं मार रहा, पता नहीं जीत ने क्या देखकर इसे अपना शागिर्द बनाया है। क्या हुआ बेटा, आपने माई चिल्लाया अभी? वो हम डर गए थे ना, इसलिए माई उसे निकल गया। कोई बात नहीं बेटा, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। अब क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ। अगर हमारी टीम हारेगी तो हम रोएंगे नहीं तो नाचेंगे। किसने कहा कि हमारी टीम हार रही है? मैच खत्म नहीं हुआ और देखना कृषि जीतेगा, ठीक है? ठीक है, हमसे हमारी सारी खुशियां ना छीन कर ही मानेंगे, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस बार कृष्णा ऐसा दांव खेलेंगे ना, तुम्हें इस कदर मारेंगे कि सीधा हॉस्पिटल में मिलोगी। चलो इसे चीर करते हैं। बहन हो तुम हमारी, हम इस कंपटीशन में भी तुम पर हाथ नहीं उठा सकते। कोई बात नहीं, हमें ना हम उठा देंगे, क्योंकि वैसे भी जब तक तो हम तुम्हारे उस गंदे खून को, तुम्हारी बेटी को मजबूर नहीं करेंगे नया से जाने के लिए। तुम दोनों हमारा पीछा नहीं छोड़ोगे, हमारी खुशियां खा जाओगे। कृष्ण उसकी पकड़ से बाहर निकलो, हिम्मत मत हारना कृष्ण। ये बहुत अच्छी धोपी पछाड़ लगा, धोपी पछाड़। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारी बेटी को गंदा खून कहने की? हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर सब कुछ छोड़कर जा रहे थे यहाँ से, और तुमने हमें इस सब का ये सिला दिया। हमारी बेटी को गंदा खून कहा? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने गौरी। इस वक्त बहुत अग्रेसिव है, अगर क्रिश चाहे तो उसे एक पटकनी में छत कर सकता है, पर उसे बताएं कैसे हम अपना मूव। अगर कृष्णा होती तो हमारा इशारा एक मिनट में समझ जाती। कृष्णा ही तो थी जिसने हमें वो दाव बताया था।
हमें पता था कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई दाव ही नहीं है जिसका तोड़ हमारे जीत के पास ना हो। पर इस दाव का तोड़ तो तुमने हमें दिया है कृष्णा। हमने कब? अभी तो बताया, जब हम उस पहलवान के साथ रेसलिंग कर रहे थे और अपनी टेक्निक के साथ जूझ रहे थे, तब तुमने हमें इशारा किया और हमें एक आइडिया आया और हमने उसका इस्तेमाल किया। देखो पहलवान चारों खाने चित पड़ा हुआ, अब तुम जब भी हमें इशारा करोगे ना तो हम ऐसे ही फाइट करेंगे। कृष्ण हमारी तरफ देखो। हमसे जुड़ी बातें तुम्हें आज भी याद है, जीत पर क्या फायदा जब तुम हमें ही भूल गए हो। हमारा ये इशारा तो सिर्फ कृष्णा समझ सकती थी, पर ये इसने कैसे समझ ली? कहीं ये कृष्णा तो नहीं?